इस मंच पे दो दो विश्वास हैं, विश्वास सारंग भी हैं, कुमार विश्वास भी हैं, बस दोनों में एक फर्क है कि एक को आगे विश्वास है, दूसरे को पीछे विश्वास है। बहुत अच्छे। लेकिन यह भी याद रहे कि विश्वास शब्द खतरनाक है, विश्व में कहीं वास ना हो जाए। हाँ कोई बात नहीं भैया, मुझे इसलिए प्रस्तुत किया गया है, ये सच है मैं कहना, मैं भी कोई गलतफहमी में नहीं हूँ, मुगालते में नहीं हूँ साहब, लेकिन क्या है कि काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब है, कोई बहाना नहीं है, संपत सरल मेरे साथ में 3-4 दिनों से साथ में यात्रा में है, इसीलिए ख़राब है। जी जी नहीं, इसलिए ख़राब नहीं है, बता दूं मैं आपको, अगला खून तो दे रहा है कम से कम, मेरी बाई नाक से खून निकलता रहा है लगातार, मगर ये चीज़ मैं भुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, भुन भुनाने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विश्वास ने मदद की है और मैं आपको सुनाता हूँ, और ज़्यादा यहाँ की बातें क्या करना, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ ऐसा जो आपके समझने के लायक है। मैं इशारे कवि हूँ, इशारे से बात करता हूँ, लंबी लंबी के बताए आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं तो अपने कवि मित्रों से जो मन से बैठे हुए हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों को यहाँ पर एकत्र किया गया है, सबसे मेरी ये भी प्रार्थना है कि केवल कुमार विश्वास को बोलने दें, वे आकर माइक पर चुप होकर लौट जाएं, अगला देर तक अपना काम दिखा दें, लेकिन सारे कवियों से कवियत्रियों से प्रार्थना है कि वे अपना छोटा लेकिन बहुत शानदार काव्य प्रार्थ प्रस्तुत करें, और मैं शुरू करता हूँ। आइए बैठ जाइए, ये दो लोग पीछे खड़े हो, कोई बात नहीं यार, चुपचाप रहो, आदमी जब नीचे से बोलता है तो बेसुरा होता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं आपका बिल्कुल समय खराब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कवि नहीं हूं, बहुत कम समय अपनी बात कर, मंच पर शानदार जानदार कवि बैठे हैं, मैं अकेला ईमानदार कवि हूं। ईमानदार कौन होता है? जो कवि सुनने वालों को जल्दी छोड़ देता है। हाँ। आइए मैं आपको इशारे से बात करूंगा, लंबी कविता नहीं है, पहला इशारा आपकी महफिल में शायद होली पे समझ में आ जाए। जी। साली ने जीजा से कहा, सुनिए, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले, जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। बहुत अच्छे, वाह भाई प्रदीप जी, वाह। पहली बार ठीक से क्यों नहीं सुना? साली में ध्यान था। हाँ, जीजा तो कंफर्म था, साली कंफर्म नहीं हो रही थी। बताओ, देखिए मैं बताऊं आपको, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, शुरुआत तो कर दी है दिनेश बावरा ने, बेहतरीन, लेकिन हर कवि से कवित्री से प्रार्थना है कि वे अपने थोड़े में बढ़िया अपना काम करें, वही अच्छी बात होती है, हालांकि बार बार नहीं कहूंगा, आइए मैं आपको थोड़ा ही सुनाऊंगा। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले, जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। इशारे से बात करना चाहिए, एक और बारीक इशारा, बहुत ही बारीक इशारा, आप दाद देंगे तो मेरा भला होगा और नहीं देंगे तो मेरा क्या बुरा होगा। भाई से तो आ ही रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा कि इशारा लीजिए, अच्छी बात कहना चाहता हूं कि अगर किताब में पढ़ा मैंने, मेरा अपना कुछ नहीं है, हाँ। जो देखता हूँ, सुनता हूँ, बुनता हूँ, चुनता हूँ, आपकी महफिल में लाता हूँ, एक किताब में पढ़ा डॉक्टर कुमार विश्वास कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, बता दीजिएगा। आइए विश्वास जी, दरवाजा खोल के आए। विश्वास जी बहुत लंबे कद के आदमी हैं साहब, मेरे लिए हीनता का सब्जेक्ट है, लेकिन विश्वास जी बुरा ना मानिए, लंबे कद के लोग भला क्या तीर मार रहे हैं। मुझे याद है कि एक बहुत लंबा आदमी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए आया, दुकानदार से बोला कि नींबू क्या भाव दिए, दुकानदार बोला बैठ के देख संतरे हैं। बहुत अच्छे, हर चीज प्रेरणा देती है। मैं आप पे बढ़िया बात सुना रहा था, बता लीजिए, और ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाए तो क्या कहने। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नई है या पत्नी नई है, मगर नहीं आई, मैं जानता था। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि मुझे क्या, इनके पास दोनों ही नहीं है। बात तो मैंने अच्छी कही, लेकिन क्या होता है कि जनता कई बार बड़ी गड़बड़ होती है, जैसे मैं आपको और सुझाव एक और ट्राई करता हूं, शायद ये आपके समझ में आ जाए, और अगर नहीं आई तो फिर मैं वो दूंगा कि वो आ ही जाएगी। जैसा दूसरा फॉर्मूला है कि उस औरत की सुंदर आंख इतनी, उसकी उस औरत की, उस सुंदर स्त्री की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी,
बहुत अच्छे। आई आई साहब, मैं कविता नहीं सुनाता, मैं तो पब्लिक को एजुकेट करता हूँ। ये थोड़ी अधिक समझ में आई, हालांकि ठीक से आई नहीं है। आपने मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए बजा दी है, वरना जनता क्या जानती है उस सुंदर स्त्री की, उस सुंदर युवती की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी। एक और मोटा इशारा है, वो तो आ ही जाएगा। भोंडा का ये नहीं मोटा। देखिए साहब, इशारे की बात करता हूं मैं आपसे कि 16वीं शताब्दी के मास्टर ने 21वीं शताब्दी के बच्चे से पूछा। गौर से सुनना भाई, 16वीं शताब्दी के मास्टर ने 21वीं शताब्दी के बच्चे से पूछा कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं। तो बिल्लू ने कहा कि मास्टर जी, हम लोग 20 भाई बहन हैं। वाह भाई बिल्लू, वाह, समझ में आ गई, क्योंकि सभी बिल्लू के पिताजी बैठे हैं। एक सूत्री कार्यक्रम है, बढ़ाओ। लेकिन बच्चा तो 21वीं शताब्दी का था, मास्टर 16वीं शताब्दी का। बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू ने कह दिया कि मास्टर साहब, हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर समझा नहीं, बोले वो तो मैंने सुन लिया, पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू ने कहा कि अभी आपको बताया ना मास्टर साहब कि हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर फिर भी नहीं समझा, झल्ला के बोला, यार मैं पूछ रहा हूँ पिताजी क्या करते। तो बिल्लू बोला कि साहब, जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो वो और कर भी क्या आ सकता। आइए, मैं आपको थोड़ी देर आपके बीच में हूँ, मेरी तबीयत काफी खराब है, ये कहना नहीं चाहता, ये विज्ञापन करना बेकार बात है, तबीयत तो खराब रहती है। मंच पे आते ही हर मरगिल्ला कभी भी जी उठता है, मरगिल्ला तो तालियां बज जाती। मैं अपने बारे में कर रहा हूँ, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। अभी आप जानते नहीं है ऐसा, अभी 5 साल पहले मैं काफी हैवी वेट चैंपियन था, और ये तो जन्मजात ऐसा ही है। मैं पैदा हुआ था तब 5 किलो का था, और ये जब हुआ था तो केवल हुआ था, बल्कि ये तय करना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है। नहीं, मैं तो हो गया था, ये तो 9 महीने तो होते ही रहे थे। नहीं, मैं तो आलसी आदमी हूं, 15 महीने में हुआ। ये तो हुआ था कि हुई था पता करना मुश्किल है, जब इस उम्र में ये ऐसा है तब क्या रहा होगा, कल्पना कीजिए आप। तो इसके पिताजी मेरे मित्र, उसने बताया, पिताजी ने बताया, बोले यार चौबे जी, जब ये हुआ था तो पता करना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है, क्योंकि उस समय दोनों की आवाज एक जैसी रहती है। मर्दाई एक्सपर्ट थी, इनके खानदान में परमानेंट थी, वो कईयों को जन्म दिलवा चुकी थी। कुछ ना, उसने पिताजी को, इनके पिताजी को बताया, घबराओ नहीं, हुआ ही है। तो तब पिताजी को आराम आया, बोला अगर ये हुआ है, 500 रुपए का नोट निकाला और दाई को दिया कि हुआ है तो फिर ये नोट भी तुम्हारा हुआ है। तो दाई दाई ने मायूसी से नोट लौटा दिया, बोले हिंदो साहब, हुआ ही क्या है। बहुत अच्छे, वाह वाह चौबे जी, क्या हुआ है मैं बता दूं आपको। छेड़ने की बात है, तभी तो वाकई खराब थी, लेकिन तालियों ने खोल दिया। लेकिन साहब, मैं तालियों की चिंता नहीं करता, हमारे संचालक को बड़ी बुरी आदत है, हर संचालक को बुरी आदत है, ताली बजाओ ताली बजाओ। भोपाल क्या ताली बजाने वालों का शहर है? ये तो वो है कि प्रोग्राम अच्छा ना हो तो कवियों को बजा दे। बजा। लेकिन साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप हर बात पे माइक माइक माइक, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आवाज बढ़ाओ आवाज, नहीं नहीं आ रही है, निकल इतनी रही है। अपनी पत्नी से छूट के आया हूं, इतनी निकलेगी बस, थोड़ी देर में मर्द हो जाऊंगा, चिंता मत। साहब, मैं आपको क्या बताऊं, छोटी सी बात, तो ये ऐसी बात है जो हुई है। हुई है साहब, एक जमाने में मैं भी काफी हैवी वेट चैंपियन था, जहां जाता था लोग मेरी कविताओं पे कम और उस पे ज्यादा हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा, 5 साल पुरानी कविता, जैसा कि मैं 5 साल पहले था, हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो, हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। ये मेरी मार्केट वैल्यू थी। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो, हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तोलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे। जहां जाता था चुनौती होती थी,
मैं और डॉक्टर कुमार विश्वास लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी लेट थी, सोचा वजन लेता हूँ, वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। वाह। हम वजन तोलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े, लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़े, एक साथ चार लोग न चढ़े। सूचनाएं गौर से पढ़े, एक साथ चार लोग चढ़े, टिकट विश्वास को दिखाया, वो भी मुस्कुराया, मशीन पर चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला, इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखे। बहुत अच्छे। हास्य कवियों की मुसीबत है, हास्य कवियों की मुसीबत है कि उन मशीनें भी छेड़ती हैं, दुर्भाग्य है कि मशीनें ही छेड़ती हैं। वाह, आया आया। हसीने कभी नहीं छेड़ती, इसलिए दुखी रहते हैं, फिर भी मैं तो मस्त रहता हूँ, वही मेरी पूंजी है, वही मेरी कैपिटल है, वही मेरी कविता है। एक अमेरिकन पिक्चर आपने देखी होगी, जुरासिक पार्क, उसका असली हीरो डायनासोर था, बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। पूरी फिल्म में डायनासोर ही छाया हुआ था। हमारे ग्वालियर में लगी, मैं भी देखने के लिए गया, टिकट लेने क्यू में खड़ा ही हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर हूँ। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यही खड़ा है। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आधे घंटे के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला, धक्का क्यों दे रहे हैं डायनासोर साहब। मैंने कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ू। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है, डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, विश्वास सारंग कहते हैं रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूं मैं गरीब आदमी हूं, मुझ पर रहम करो, कोई करता नहीं। और मैं अनुसपन की बहुत निंदा करना चाहता हूं साहब, मुझे खाना खाने का मौका न दिया, जल्दी आओ मंच पे, शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री आ गए हैं। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ना खाऊंगा तो निबड़ जाऊंगा। तो बोले नहीं, खाना बाद में बटेगा। अनुसपन, कितने बजे बटेगा? 12 बजे। मैंने खत्म हो गया तो बोले मैं हूं ना। मैंने कहा आप तो हैं लेकिन मैं तो शाकाहारी हूं। पता नहीं उसकी क्या मानसिकता थी भाई, बुरा ना मानिए साहब, मैं ब्राह्मण जरूर हूं लेकिन ब्राह्मणों की दुखद अवस्था मैं बता सकता हूं। आप हंसेंगे मैं जानता हूं, मगर आपके हंसी में मेरे आंसू छिपे हैं ब्राह्मण के, मैं जानता हूं। शताब्दियों से ब्राह्मणों का एक सूत्री कार्यक्रम है, खाओ। ये उसकी तमन्ना नहीं थी, परंतु आप जानते हैं कि हिंदू समाज में चार जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, तीनों जातियों ने ब्राह्मण को कुंठित करने का प्रयास किया। ये बड़ा हीरो बना घूमता है, इसको निपटाओ। तो बाकी तीन जातियां गई ब्राह्मण के पास में, प्रस्ताव रखा, आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। ब्राह्मण को प्रस्ताव पसंद आया, स्वादिष्ट, फुकट में खाने को मिल रहा है, खेचो। शताब्दियों तक खेचा, स्थाई किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं। जातियों का प्लान सक्सेसफुल, यार बैठ जा यार, भैया बैठ जा यार, हो गया यार, किसको बुला रहा है पता नहीं, ऐसे करके घर से बाहर है, किसको बुला। ब्राह्मण दुखी पाए जाते हैं, ब्राह्मण देवता दुखी पाए जाते हैं, क्योंकि कोई बुलाता नहीं है। लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर टुइया ब्राह्मण अमिताभ बच्चन बन जाता है। चारों तरफ से निमंत्रण आता है कि हमारे चाचा जी गुजर गए, उनका खा लो, हमारे बाप का खा लो। जिस चाचा बाप को जिंदगी भर ठीक से नहीं खिलाया, उसके मरने के बाद में ब्राह्मण को खिलाते हैं। मैं साहब श्राद्ध का नहीं खाता, मेरा दुख सुनिएगा आप, मैं श्राद्ध का नहीं खाता, जब मैं जिंदा हूं तो अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊं। मैं ग्वालियर में, मेरी बड़ी रेपुटेशन है, आ जाते हैं। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। वाह क्या बात है चौबे जी, वाह। मेरी बात समझा नहीं, बोले क्या मतलब। मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया, तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूं क्या, उनका माल खाऊं और भी पहुंच जाऊं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा, तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा।
तालियां बजाइए एक बार जोरदार। हाँ देखो भाई आदमी का स्वभाव है डॉक्टर विश्वास, आ रही है सुनाई देगा, आ रहा है सुनाई नहीं देगा, इसलिए कह दिया। हाँ जी आ रही है थोड़ी सी, चलो आ गई। तो ठाकुर क्या खाने गया, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया, ठाकुर के पिताजी के श्राद्ध में गया, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी स्पीड देख के थक गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे, मैं तो तैयारी से गया। बोला बीच में पानी तो पी लो, मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण मगर इतने गुस्से में हूं कि नॉन वेज भी खा सकते हो। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए पूरे तो हैं। नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। बहुत अच्छे भाई। तो मित्रों बात तो यह है कि जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं ये खाने के मारे नहीं मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज्यादा खाता हूं, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूं, लोगों के गम खाता हूं, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूं। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूं। बहुत अच्छे बात।